हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 गेम्स लाइक ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर फॉर एंड्रॉइड के बारे में। तो यार बेसिकली इस गेम के अंदर होता क्या है, आप लोगों को ये पता ही होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस गेम को खेल रहे हैं, फिर भी जिनको नहीं पता कि गेम के अंदर क्या होता है उनको मैं बता दूं कि आप लोग एक शॉप के मालिक होते हो, आपकी खुद की एक शॉप रहती है, आपको उस शॉप को अपने हिसाब से चलाना रहता है। यार मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर के सिमिलर बहुत कम ही गेम्स है एंड्रॉइड पर अवेलेबल है, फिर भी मैं बहुत सारी रिसर्च करके सेम टाइप के कंसेप्ट वाले गेम्स लेकर आया हूँ और वो न्यू गेम्स है, किसी और की वीडियो के गेम्स को कॉपी नहीं किया है। कुछ गेम के कंसेप्ट अलग हो सकते हैं, तो यार फालतू कमेंट्स में गाली और हेट मत देना। तो यार मैंने जितने भी गेम्स ऐड किए हैं वो सारे ही गेम बहुत ही ज्यादा शानदार है, इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यार लिस्ट में आने वाले जो 5th नंबर का गेम है उसका नेम है ओशियन इज होम। तो गाइस यार गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा और गेम का साइज आप लोगों को 130 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। और गेम के नेम से पता चल रहा है कि ओशियन इज होम मतलब समुद्र आपका घर होगा। तो गाइस यार गेम के अंदर होता यह है कि आप पूरे के पूरे एक आईलैंड के ओनर होते हो, आप लोग पूरे के पूरे आईलैंड को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पर जो भी चीज होती है डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज रॉ मटेरियल और भी जो भी चीज होती है वो आपकी होती है, आप उनको अदर कंट्रीज में के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। फिर धीरे धीरे आपके आइलैंड पर और भी लोग आएंगे तो आप खुद की एक ग्रोसरीज की शॉप खोल सकते हो, धीरे धीरे आप अपने आइलैंड में अपनी शॉप को डेवलप कर सकते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हो, आप लोग वर्कर्स ऐड कर सकते हो, एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो, आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप आइलैंड के सबसे अमीर बंदे बन जाओगे, आप अपना खुद का एक एक्सपेंसिव घर बिल्ड करा सकते हो, उसको डेकोरेट कर सकते हो। और बात करें गेम के ग्राफिक्स की तो वो आप लोगों को साइज के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। तो यार ओवरऑल गेम बहुत औसम है, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस यार लिस्ट में आने वाले जो 4th नंबर का गेम है उसका नेम है ट्रेडर आइलैंड। तो गाइस यार गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा और गेम का साइज आप लोगों को 120 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो यार यहाँ पर आप लोग एक आइलैंड के ओनर तो नहीं होते हो, पर हाँ आप जिस आइलैंड में रहते हो वहाँ कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, आप इंडिपेंडेंट रहते हो, आप एक छोटी सी शॉप से स्टार्टिंग करते हो, फिर धीरे धीरे आप ग्रो होते हो, आप मैन्युफैक्चर का वर्क करते हो, आप हाउस बिल्ड करते हो, ट्रेडिंग करते हो ग्रोसरीज की और भी रिसोर्सेज की लाइक रॉ मटेरियल, इनको आप ट्रेड करते हो और धीरे धीरे आपकी शॉप बहुत बड़ी होती है, आपके कुछ फ्रेंड्स भी बनते हैं, फिर धीरे धीरे आप आइलैंड के सबसे अमीर बंदे बन जाते हो, फिर आप अपनी शॉप और अपने बिजनेस के साथ साथ आइलैंड को भी डेवलप करते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज को ऐड करते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक्सपेंसिव कार देखने को मिलती है जिनको आप परचेस कर सकते हो लाइक विंटेज और भी। और बात करें गेम के ग्राफिक्स की तो वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो यार ओवरऑल गेम बहुत औसम है, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस यार लिस्ट में आने वाले जो 3rd नंबर का गेम है उसका नेम है बिग सिटी लाइफ सिमुलेटर। तो गाइस यार गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा और गेम का साइज आप लोगों को 70 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो यार इस गेम का कंसेप्ट थोड़ा ट्रेडिंग लाइफ सिमुलेटर से अलग है, थोड़ा सा है ज्यादा नहीं। तो यार गेम के अंदर आप लोग बहुत सारे वर्क करते हो, आपकी स्टोरी कुछ इस टाइप के स्टार्ट होती है कि स्टार्टिंग में आप बहुत गरीब होते हो, आप बहुत सारी जॉब करते हो लाइक पिज्जा डिलीवरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, गार्बेज रिमूविंग, और आप इन सब से पैसा कमाते हो, फिर धीरे धीरे आप एक हाउस परचेस करते हो, फिर आप धीरे धीरे आप लोग गेम के अंदर और ग्रो करते हो, आप और भी बहुत सारे वर्क करते हो, आप वेपन्स ट्रेडिंग का वर्क करते हो, आप पुलिस को शूट करके भागते हो, यहाँ तक कि आप चोरी भी करते हो, आपका मेन बिजनेस वेपन ट्रेडिंग का होता है, आप सिटी में बहुत ज़्यादा फेमस होते हो, यहाँ पर आप लोगों को ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिलता है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने कैरेक्टर को खुद कस्टमाइज कर सकते हो। और बात करें गेम के ग्राफिक्स की तो वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो यार ओवरऑल गेम बहुत औसम है, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस यार लिस्ट में आने वाले जो 2nd नंबर का गेम है उसका नेम है डीलर लाइफ 2। तो गाइस यार गेम पूरे तरीके से ऑफलाइन होगा और गेम का साइज आप लोगों को 150 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये गेम आपको डीलर की लाइफ का काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा, इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे कस्टमर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होते हैं जो कि आपसे डिस्काउंट मांगते हैं, अब आपके ऊपर है आप उनको देते हो या नहीं। आप वर्कर्स ऐड कर सकते हो, आप एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हो। और बात करें गेम के ग्राफिक्स की तो वो आप लोगों को थोड़े कार्टून टाइप देखने को मिलते हैं, तो भी यार गेम बहुत शानदार है। तो यार ओवरऑल गेम बहुत शानदार है, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो गाइस यार लिस्ट में आने वाले जो 1st नंबर का गेम है उसका नेम है ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर। तो गाइस यार गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन होगा और गेम का साइज आप लोगों को 120 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा।
तो यार ये एक ऐसा गेम है जो कि पीसी वाले ट्रेडर लाइफ सिमुलेटर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। यहाँ पर 100+ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आपकी शॉप में रहते हैं। आप पीसी कस्टमाइज कर सकते हो, आप बिल्डिंग बना सकते हो, आप बिल्डिंग को कस्टमाइज कर सकते हो। आपकी शॉप से कस्टमर कुछ भी बाय कर सकता है, लाइक फोन, लैपटॉप, पीसी, ग्रोसरीज, कुछ भी आप अपनी शॉप को कस्टमाइज कर सकते हो, वर्कर्स को ऐड कर सकते हो। सेम टू सेम पीसी वाले ट्रेडिंग लाइफ सिमुलेटर जैसा गेम है। और बात करें गेम के ग्राफिक्स की तो वो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। तो यार ओवरऑल गेम बहुत औसम है, आप लोग इस गेम को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जल्दी से 1K करा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।